हेलो माय फ्रेंड, आज नए वीडियो के साथ देखते हैं डायनापैक रोलर उसका सर्विसिंग कैसे करते हैं और कौन कौन सा फिल्टर लगता है, कितने क्वांटिटी में इसका इंजन वो लगते हैं, इसके जो फिल्टर हैं वाटर सेपरेटर, डीजल फिल्टर एंड मोबिल फिल्टर का नंबर भी आप टाइप और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हमारे चैनल पर ऐसा ही वीडियो आते हैं। कभी भी कोई भी गाड़ी सर्विस करें सबसे पहले उसका मोबिल ट्रेन कर लीजिए, क्योंकि तब तक के वाटर सेपरेटर डीजल फिल्टर लगाते मोबिल अच्छे तरह ट्रेन हो जाएंगे। उसके बाद मोबिल फिल्टर लगाकर और इसको ड्रेन नट को टाइट कर देंगे, फिर ऊपर से फिलअप कर देंगे। देखते हैं, देखिए ये मोबिल ट्रेन कर रहे हैं। ये 22 लीटर इसकी क्वांटिटी है, 4 सिलेंडर है ये। ये मोबिल फिल्टर है, इसको खोल रहे हैं। ये बेल्ट रिंच के सारे अच्छी तरह इसको खोल रहे हैं। वो देखिए, ये इंजन ऑयल फिल्टर है, वो डोनाल्डसन का था, ये किलोस्कर का ओरिजिनल है। अगर किलोस्कर का जितना भी फिल्टर आप देखेंगे 06 से स्टार्ट होगा, 436 कुछ इस टाइप का, तो आप ये फिल्टर नंबर नोट कर सकते हैं। फिल्टर लगाने के बाद इसको अच्छी तरह बेल्ट से टाइट कर देंगे, बेल्ट मंगा दीजिएगा, बेल्ट आप ये देख सकते हैं, फिल्टर बेल्टिंग टूट गया, बेल्ट टूट जाए या आपके पास फिल्टर बेल्ट नहीं है तो उसमें दो होल कर दीजिए ऐसे, और पेचकस के सहारे खोल सकते हैं बट लगा नहीं सकते। एक बात ध्यान रखिएगा, लगा नहीं सकते, खोल सकते हैं। ये आपका वाटर सेपरेटर है, ये वाटर सेपरेटर है, वाटर सेपरेटर नंबर है। अगर आप तो ये नंबर भी दिखा देंगे तो आपको फिल्टर मिल जाएगा। बैक साइड में 4H 4H 220601 000। ये किलोस्कर का आप ओरिजिनल अगर लेते हैं तो ये नंबर आप पे बताएंगे तो आपको वाटर सेपरेटर मिल जाएंगे। ये डीजल फिल्टर है, ये फुट वाले डीजल फिल्टर इसमें लगेंगे। ये देखिए बॉश का ओरिजिनल है। इसका नंबर ये देखिए, किलोस्कोर फिल्टर। डीजल फिल्टर हमारा कब ज्यादा खराब होता है, जब डीजल ख़त्म हो जाते हैं, बार बार पंप मारते हैं उसके कारण भी डीजल फिल्टर डैमेज होता है, तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। हर संडे को फुट वाले फिल्टर इसमें डालने के बाद बोल्ट से अच्छी तरह टाइट कर देंगे। ये प्रेस करने से डीजल फिल्टर में डीजल भर जाएगा पूरा।
डीजल देखिए आ गए हैं, पंप हार्ड हो गया और इसमें 22 लीटर मोबिल फिलअप कर देंगे तो हमारा एक तरह से सर्विसिंग का जो प्रोसेस है ओके हो गया। यहाँ पर एक एयर फिल्टर भी चेंज करते हैं एट टाइम सर्विसिंग, बट एयर फिल्टर अभी नया है तो इसलिए चेंज नहीं करेंगे। सर्विसिंग होने के बाद आप ये हॉर्न मीटर का रीडिंग नोट कर लीजिए और इसके जस्ट बाद 250 घंटे बाद आप मोबिल फिल्टर चेंज कीजिएगा और 500 घंटे बाद इसका पूरा डीजल फिल्टर, मोबिल फिल्टर, वाटर सेपरेटर सारे चेंज कीजिएगा। 1000 घंटे बाद आप हाइड्रोलिक ऑयल चेंज कीजिएगा और 2000 घंटे बाद आप हाइड्रोलिक फिल्टर